विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद इकाई मंडी के सदस्यों ने वन विभाग मंडी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद मंडी के जिलाध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू की अगुवाई में पौधारोपण किया। इस मौके पर हरमीत सिंह बिट्टू ने परिषद के उद्देश्यों से अवगत करवाया और कहा कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य हिंदू समाज को मजबूत करना और अध्यात्म की रक्षा कर विदेशों में रहने वाले हिंदुओं से तालमेल रखना और हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्हें संगठित करना है। वहीं डीएफओ मंडी एसएस कश्यप ने जानकारी दी है कि पूरे प्रदेश में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण कर 1,20,00,000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से वन मंडल मंडी में करीब 380 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 3,00,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बरसात के मौसम में विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष में विश्व हिंदू परिषद इकाई मंडी के सदस्यों ने वन विभाग मंडी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर नेचर पार्क में पौधारोपण किया। आज विश्व हिंदू परिषद पूरे प्रदेश में कह लो या पूरे देश में और पूरे विश्व में अपना स्थापना दिवस मना रहा है। और स्थापना दिवस हमारा सौभाग्य है कि ये जन्माष्टमी के दिन ही आता है, क्योंकि 29 और 30 अगस्त 1964 को मुंबई के संदीपनी आश्रम में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी परिकल्पना हुई थी और दो दिन के मंथन के बाद विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था। संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा, आज़ादी के बाद 47 में हमें जब आज़ादी मिली तो धर्म के आधार पर एक देश अलग हो गया। हिंदुस्तान जो था, भारत जो था, ये धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में इसकी परिकल्पना की गई और इसकी उसकी हुई। तो जब इसको धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया तो सभी धर्मों के लोग यहाँ थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो था 47 से लेके 60, 61, 62 तक जो था वो एक मुस्लिम तुष्टिकरण और ईसाई तुष्टिकरण जो था वो चलता रहा और सबका फोकस उसी तरफ रहा। इस तरह का तुष्टिकरण के चलते जो हिंदू धर्म था, हिंदू लोग थे, धर्मावलंबी लोग थे, सनातनी लोग थे, वो एक तरह से अपने आप को प्रताड़ित और पीछे का हटे हुए महसूस करते थे, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। केवल इसी भावना को लेकर हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए, हिंदुओं में उनके संस्कारों की पुनर्जागना करने के लिए, उनको पुनर्संगठित करने के लिए जितने भी दुनिया के देश हैं, जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं, इस अवधारणा को लेकर, इस परसेप्शन को लेकर जो था वो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। और इसका मूल उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में हिंदू संस्कारों को, सनातन पद्धति को, सनातन आचार संहिता को सुदृढ़ किया जाए, बच्चों में संस्कार पैदा किए जाएँ और हिंदू धर्म को संगठित करते हुए जो हमारी हिंदू मान्यताएं हैं उनको पूरे विश्व में सुदृढ़ किया जाए। तो आज की तिथि में हमारे पास कम से कम 27 देशों में हमारी अपना संगठन है और 82 देशों में विश्व के जो है वो हमारी विश्व हिंदू परिषद की कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वहाँ पे हमारी उपस्थिति है। तो विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य मात्र यही नहीं है कि हमने आज की इसमें देखा जाए तो उसको थोड़ा सा इसका उद्देश्य को बढ़ा दिया गया हुआ है, समाज सेवा को भी इसके इसमें साथ जुड़ा हुआ है। धर्म के संस्कारों की स्थापना तो करनी ही है, उसके साथ साथ हमें लगता है कि समाज सेवा भी बहुत ज़रूरी है और प्रकृति की और पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। इन विषयों को अपने साथ जोड़ते हुए इस बार जो था वो कार्यक्रम जन्माष्टमी में हमें ये भी एक लाइन मिली थी कि आप पर्यावरण के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए और प्रयास कीजिए कि प्रकृति को और बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग किया जाए। इसी चीज़ों को, इसी मूल उद्देश्य को सामने रखते हुए आज हम अपना यहाँ स्थापना दिवस भी मना रहे हैं जन्माष्टमी वाले दिन। और जन्माष्टमी की भी मैं सभी को, धर्मावलंबियों को, सनातन प्रेमियों को, सभी हिंदू धर्म के लोगों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और हमारा जो स्थापना दिवस है इसकी मैं सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को और सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद कर मैं एसएस कश्यप, डीएफओ मंडी। आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से पौधरोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें विश्व हिंदू परिषद के जो विभिन्न संगठन हैं वो इस पौधरोपण में शामिल हुए हैं। वन विभाग इसमें पौधरोपण में पूरा सहयोग कर रहा है
जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात में जो है वो वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और इस साल पूरे प्रदेश में लगभग 12,000 हेक्टेयर के ऊपर पौधरोपण किया जा रहा है, और जिसमें कि 1,20,00,000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में वन मंडल मंडी में लगभग 380 हेक्टेयर एरिया में हम पौधरोपण कर रहे हैं और लगभग 3,00,000 पौधे रोपित कर रहे हैं।